तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, क्या बात है, 12 कपड़े। अभी एक हफ्ता स्त्री को छुट्टी। ये काय पडलं बाबा? इतने सारे पैसे अलमारी में कैसे? अरे माधवी, माधवी, काय हो, काय झालं? अपने अलमारी में से इतने सारे रुपए निकले? अरे हाँ, क्या अपने अलमारी में से इतने सारे रुपए निकले माधवी? हाँ तो रुपए ही निकले ना, कांदा थोड़ी निकला है जो इतने चौक रहे हो। अरे विनोद कसली करते, इतने सारे रुपए मैंने अलमारी में नहीं रखे, तो इतना सारा कैश आया कहाँ से? मैंने रखे। ये पैसे तुमने रखे माधवी? हाँ। इतने सारे पैसे तुमने कब जमा किए और मुझे बताया भी नहीं? अभी के अभी ये पैसे बैंक में जमा कर देते। अहो सुनिए, ये सिर्फ मेरे अकेले के पैसे नहीं है माधवी। अगो वेड़े, मुझे पता है जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन ये पैसे बैंक में रखना जरूरी है। अरे इंटरेस्ट मिलता है, कर लगा, चल 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 चल। ओ इंटरेस्ट कुमार, इसमें से एक भी रुपया आपका नहीं है, कर लो। ठीक है माधवी, तुम्हारे पैसे रखो तुम्हारे पास। नशा दौलत का ऐसा भी क्या के तुझे कुछ भी याद नहीं? क्या हुआ? तेरा वादा। ओ, आपके साथ डुएट नहीं कर रही हूँ, आपको पूछ रही हूँ कि क्या हुआ आपको अचानक? माधवी, हमारे बीच पैसे आ गए। ओ ये ना आपका पैसा है ना मेरा, मेरा मतलब है हम गोकुलधाम महिला मंडल के पैसे हैं ये। कहते महिला मंडल के पास इतना सारा कैश? मा, इतना सारा कैश तो सोसाइटी के फंड में भी नहीं होगा। तो हम औरतों को समझते क्या हो आप लोग? अरे 3 साल में 1,60,000 रुपए जमा किए हम लोगों ने। कितनी? 1,60,000 आहत कुठे? 1,60,000? मा, और इसी खुशी में हम सारी औरतें लंच के लिए होटल में जाने वाली है। 1,60,000 का लंच करोगे तुम लोग? और ऐसा क्या क्या खाओगे और कितना खाओगे खा खा कर माधवी? वो इतने सारे रुपए को थोड़ी लंच करेंगे, क्या कुछ भी बोलते रहते हो। अहो आज किटी पार्टी में पैसों का हिसाब करने वाले, इसलिए रुपए निकाल के रखे हैं। ओहो, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की एकमेव धर्मपत्नी माधवी आत्माराम भिड़े, गोकुलधाम महिला मंडल की एकमेव खजांची उर्फ ट्रेजरर उर्फ बैंकर ऑफ किटी पार्टी। शाबाश माधवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। 1,60,000 ये माधवी, पैसे संभालना जिम्मेदारी का काम होता है। हाँ, अगर हिसाब में जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो पूरी सोसाइटी वाले हमारे नाम से बुमबाम करेंगे, और सबसे पहले तो जेठालाल ताने मारेगा। अरे दया, चाय नाश्ता ला जल्दी भाई। हाँ आई आई आई, ये लीजिए। अरे बाबू जी, बापूजी। अरे बापूजी, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हमारे यंग गर्ल ग्रुप का वो पुरुषोत्तम है ना, उसका जन्मदिन है, तो उसने घर पे सत्यनारायण की कथा रखी है, तो आज हम सब लोग पूरा दिन वहीं रुकने वाले हैं, इसलिए बहू आज मेरा दोपहर का खाना मत बनाना। जी बापूजी। चलो चलता हूँ। बापूजी जरा संभल कर जाना। हाँ। अरे बापूजी एक दो मिनट रुकिए ना, मैं चाय नाश्ता करके निकल ही रहा हूँ, रास्ते में आपको छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। हाँ। नहीं नहीं, तू आराम से चाय नाश्ता कर, मैं चला जाऊंगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। टप्पू के पापा, बापूजी ने आराम से नाश्ता करने को कहा है, तो एकदम आराम से नाश्ता मत करना, फटाफट चाय नाश्ता करके आप भी निकलिए। निकलिए? निकलिए का क्या मतलब है?
तुम मुझे घर से भगा रही है? अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं आपको कैसे भगा सकती हूँ? आप तो घर के मालिक है, मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या है टप्पू के पापा, आप जब तक घर में होते हैं ना, तब तक मेरा सारा टाइम आपका ध्यान रखने में ही चला जाता है, फिर घर के सारे काम लेट हो जाते हैं। आप जाते हैं उसके बाद घर के कितने सारे काम होते हैं पता है? हमें वो किचन की साफ सफाई करनी होती है, खाने पीने की तैयारी करनी होती है, कपड़े धोने सुखाने होते हैं, कपड़े को इस्त्री करनी होती है, घर की साफ सफाई करनी होती है। पता है दया, मुझे सब पता है। अरे भाई, हम पतियों से ज्यादा तुम पत्नियां काम करती हैं। हम पतियों का क्या है, घर और बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे भरोसे छोड़ कर निकल पड़ते हैं काम पे। नहीं नहीं टप्पू के पापा, अब पति लोग भी कुछ कम मेहनत नहीं करते हैं। हम पत्नियां तो घर का सारा काम निपटा के दोपहर को सो भी जाती है, लेकिन आप लोगों को तो पूरा दिन आराम करने को मौका ही नहीं मिलता। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, सारा दिन बस पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं, ताकि हम बीवी बच्चों की छोटी बड़ी सभी इच्छाएं आप पूरी कर सके। एक पति पिता और बेटा बनकर घर की खुशी के लिए आप लोग जो बलिदान देते हैं ना, उतना बलिदान हम पत्नियां नहीं दे पाती। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, पति महान होते हैं। नहीं नहीं दया, ऐसी बात नहीं है, महान पत्नियां होती है। अरे बचपन से लेके 30-24 साल तक जिस घर में अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ वो रहती है, शादी होते ही उन सबको छोड़कर एक अनजान घर में, कभी कभी अनजान शहर में नए लोगों के बीच पहुंच जाती है और 24 घंटे के अंदर अंदर नए रिश्ते बना लेती है। अपने पति और सास ससुर का दिल जीतकर अपने संसार की छोटी सी दुनिया बसा लेती है। ये अद्भुत काम सिर्फ एक पत्नी कर सकती है, इसलिए पत्नियां महान होती है। नहीं नहीं, पति महान होते हैं। महान पत्नियां होती है। नहीं टप्पू के पापा, महान तो पति होते हैं। पत्नी पति पत्नी क्या पति पत्नी पत्नी पति चल रहा है? कुछ नहीं बापूजी, वो दया कह रही थी सब पतियां महान होते हैं। और टप्पू के पापा कह रहे सब पत्नियां महान होती है, उसमें बहस हो रही थी बापूजी। अरे पति और पत्नी दोनों महान होते हैं। अरे पति और पत्नी तो रथ के दो पहियों जैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ कर साथ में चले तो संसार का रथ बिना कोई तकलीफ के चलता रहता है। बराबर है बापूजी। अच्छा बहू, मैं ये कहने के लिए आया था कि शाम को भी शायद आते आते मुझे देर हो जाएगी, तो शाम का भी खाना मेरा मत बनाना। जी बापूजी। ठीक, चलो चलता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। टप्पू के पापा चलिए, अब आप जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकलिए। अरे हाँ दया, ये अपने बाजू में वो सोसाइटी है ना सीता कुटीर, वहाँ से जयेश भाई करके आएंगे, तो उनको ये कोटेशन का कवर दे देना। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है। सॉरी, आज दोपहर को तो मैं घर में हूँ ही नहीं ना। दोपहर को घर में हूँ ही नहीं मतलब कहाँ जा रही है? अरे टप्पू के पापा, आज हम गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाएं बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। मैंने आपको रात को बताया था ना, आप भूल गए? अरे हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, वो पिछले 6 महीने से कट्टी पार्टी मनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मनाने का नक्की किया है। कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। हाँ। तो फिर ये कवर? अरे वो मैं बागा के हाथों भिजवा दूंगा जयेश भाई को। हाँ, चिंता मत कर। थैंक यू। वैसे कौन कौन आ रहा है किट्टी पार्टी में? सब सब महिला है, कोमल भाभी, भिड़े बहन, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, सब। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जा जा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू पुरी जी। पुरी जी? ओ जी सॉरी, मतलब अमरीश पुरी जी। थैंक यू अमरीश पुरी जी। हाँ, ये डायलॉग तो अमरीश पुरी जी का ही है ना। तो मैं अमरीश पुरी जी? नहीं नहीं नहीं, आप तो मेरे शाहरुख खान हो। तो फिर अमरीश पुरी जी क्यों बोला? हाँ सॉरी, बड़े बड़े लोगों से कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, सॉरी। बिल्कुल ठीक कहा दया रीटा। चलिए चलिए, अभी जल्दी से चाय नाश्ता कीजिए, जल्दी से। अरे हाँ, अरे भाई पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, शांति रख, चाय गिराएगी तू। सॉरी। अरे आप भाई, हाँ क्या जेठा भाई? बस बस मजा में भाई। पपीता जी,
गुड मॉर्निंग बबीता जी. गुड मॉर्निंग जेठा जी. जलालाल गुड मॉर्निंग. मैं आपको भी गुड मॉर्निंग बोलने ही वाला था लेकिन आप बीच में बोल पड़े. और बबीता जी दोपहर को मिल रहे ना लंच के लिए होटल में? हाँ, बबीता तुम कौन थे लंच पर मिलने की बात कर रही हो? आपने अय्यर भाई को नहीं बताया? अय्यर तुम्हें मैंने बताया था ना कि आज सारी लेडीज के होटल में किटी पार्टी है. अच्छा हाँ हाँ वो. हाँ वो क्यों आप क्या समझे? नहीं कुछ नहीं. अरे दुकान जाने का लेट हो रहा है फेंकना भाई. कैच कर लोगे ना? तू बार बार जीपीएल के कैप्टन को चैलेंज क्यों दे रही है? भूल गई एक बार इसी तरह तूने रुमाल फेंका था और मैंने एक हाथ से कैच कर लिया था. बबीता हमको लेट हो रहा है चले. डजंट लुक नाइस. एक मिनट रुको ना. हाँ याद आया याद आया. तो चल फेंक. वो क्या है? जयेश भाई वाला कवर. तो ये क्या है? ट्रायल बॉल. मैं देखना चाहती थी आप अभी भी चपल हो या वक्त के दिमाग ने आपके बाजुओं को खोखला कर दिया है. लीजिए पकड़िए. Sorry. मैं इसलिए आपको कह रही थी मैं नीचे आके देख जाती हूँ लेकिन आप. अरे बबीता जी आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ हाँ. तो दोपहर को हमारी कट्टी पार्टी है. मैं एक घंटे में वापस आ जाऊंगी. और हाँ दया भाभी मैंने हम सब के लिए होटल में टेबल भी बुक कर लिया है. थैंक यू. जय जिनेन्द्र टप्पू के पापा. जय जिनेन्द्र. चलो बबीता. हाँ बबीता जी एक मिनट. अब क्या है जड़ाला? हाँ एक मिनट. बबीता जी आपने वो होटल में टेबल बुक करवा के बहुत बढ़िया काम किया. क्या आजकल सबको होटल में खाना खाने का ऐसा चस्का लग गया कि जब देखो तब सभी होटल भरी पड़ी रहती है. खाली टेबल के लिए एक घंटा वाट देखनी पड़ती है तब तक खाली पेट की वाट लग जाती है. बबीता चले कोई हमारा वाट कर रहा है. मतलब वेट कर रहा है. ओके बाय जेठा जी. मैं भी निकल ही रहा हूँ चलिए बाहर तक साथ में चलते. ओके. आजकल सबको पता नहीं होटल का खाना इतना क्यों. ये लीजिए नटू काका. और एक चेक है. अरे कितने चेक साइन करवा रहे हो नटू काका? ये लाइट के बिल का चेक है सेठ जी. नहीं भरेंगे तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अंधेरा हो जाएगा. ठीक है लीजिए. थैंक यू सेठ जी. सेठ जी मैं वो जयेश भाई के यहाँ कोटेशन का कवर देकर आया हूँ. वो आपको दो चार दिन में फोन करेंगे. चलो बढ़िया. हाँ तो एक काम कर एक अभी मसाला वाली चाय बोल दे जरा. जी. और सेठ जी चाय के साथ कुछ नाश्ता बोलूं? नाश्ता क्या खिलाएगा? समोसा सैंडविच बोलूं? नहीं नहीं दो नहीं कोई भी एक चीज लेके आ. नहीं नहीं सेठ जी दो नहीं एक ही चीज है समोसा की सैंडविच. समोसा की सैंडविच? अरे सेठ जी एकदम मस्त आइटम है आप खाकर तो देखिए दिल एकदम खुश हो जाएगा. अच्छा लेके आ जा. जी. अच्छा सुन सबके लिए लेके आ. सबके लिए? और भी कोई आ रहा है? अरे भाई नट्टू काका तेरी और मगन की बात कर रहा हूँ. ओके सेठ जी. थैंक यू सेठ जी. थैंक यू क्यों? आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं. उसमें ख्याल क्या नटू काका अकेले अकेले खाने में थोड़ी मजा आता है. असली मजा सबके साथ आता है ना.
हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, मैं कट्टी पार्टी के लिए निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, निकलो, मजा करना। अच्छा सुनिए। हाँ बोलिए। मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आपको कुछ भी चाहिए तो अभी बता दो, कुछ भी काम हो तो भी अभी बोल दो, वरना क्या है हमारी कट्टी पार्टी आई ना मस्ती से चल रही होगी और आप बीच में घड़ी घड़ी फोन करेंगे। नहीं नहीं भाई, कुछ काम नहीं है, तुम लोग जलसा करो, कुछ अर्जेंट होगा तो फोन करूंगा, ठीक है? हाँ तो वही, वो अर्जेंट क्या है वो अभी बता दो ना प्लीज। अरे भाई अभी कुछ काम नहीं है, अगर कुछ अर्जेंट काम याद आया तो ही फोन करूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा भाई अर्जेंट काम होगा तो भी फोन नहीं करूंगा, बस। थैंक यू भाई, लव यू। हाँ लव यू मैं भी। नहीं मतलब गुड ट्राई, आर्टिकल लिखने की तुमने कोशिश की, लेकिन दोस्त ये धूम्रपान होता है, घूम्रपान नहीं होता है। और मतलब सिर्फ ह्यूमर ठीक होने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए और लैंग्वेज भी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड राइटर। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मता साहब कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताओ इस नाचीज को कैसे याद किया आज? अरे भाई दो दिन से मुलाकात ही नहीं हो रही है आपकी, तो मैंने सोचा चलो फोन करके बात तो कर लेते, कहाँ है कहाँ? अरे कहीं नहीं भाई, इसी दुनिया में हूँ जेठालाल, थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी हूँ बस, और जल्दी आ जाता हूँ ऑफिस और काम में यार देर रात तक लगा रहता हूँ, थोड़ा सा वर्क प्रेशर है इन दिनों, इसलिए बस। तुम बताओ क्या हाल है? हाल एकदम फर्स्ट क्लास, ऊपर वाले की मेहरबानी और नीचे वाले के आशीर्वाद। नीचे वाले कौन है भाई? आप जैसे दोस्त और कौन। सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बढ़िया, और बताओ? और तो आपको तो पता ही होगा आज हम सबकी बीवियां वो किटी पार्टी मना रही है। पता है मालूम है मुझे। अच्छा है ना भाई किटी पार्टी मना रही है, तो आज एक दिन किटी पार्टी मनाएंगी तो अगले 10-15 दिन पतियों के लिए बहुत सुकून से निकलने वाले। पत्नियों की किटी पार्टी से पतियों को सुकून मिलेगा, कैसे? भाई सारी औरतें एक जगह इकट्ठे होकर क्या करेंगी, कितनी देर साड़ियों पे, फिल्मों पे या और किसी विषय पे चर्चा करेंगी, सारे विषय कुछ देर में खत्म हो जाएंगे, फिर एक ही विषय बचेगा पति, फिर बैठ के क्या करेंगी, चुगलियां करेंगी पति की, शिकायतें करेंगी पति की, पतियों की बुराइयां करेंगी भाई, जितनी ज्यादा गॉसिपिंग हो सकती है करेंगी, फिर थोड़ी देर में पतियों के खिलाफ जितनी भड़ास से निकल जाएगी, और एक बार भड़ास निकल गई तो फिर और थोड़ा मन हल्का, और जब मन हल्का हो गया तो 10-15 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक सारे पति सुरक्षित है। वाह 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 मेहता साहब, एक लेखक ही ऐसा सोच सकता है। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ आप अपना अगला लेख इसी विषय पर लिख डालिए, कैसे पत्नियों की किटी पार्टी से रहती है पतियों की सेहत अच्छी। और जैसे ही मैंने ये आर्टिकल लिखा ना जेठालाल, तो सारी पतियों की सेहत खराब हो जाने वाली है, सारी पतियां ये आर्टिकल पढ़ेंगी और पता चल जाएगा कि भाई हमारी किटी पार्टी से पतियों को ये फायदा होता है, तो फिर सारी की सारी किटी पार्टी बंद कर देंगी और भड़ास वहां नहीं निकलेगी और पतियों के सामने भड़ास निकलेगी और हमारी सेहत खराब होगी। बोलो लिखो। नहीं 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 भाई, तो मत लिखना भाई, मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। ओके चलो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। ओके। कुछ टूरिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि सबसे बड़ा वाटरफॉल नायग्रा फॉल्स देखने के लिए गए। वहां गाइड ने बताया कि भई ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और इसकी आवाज के तो क्या कहने, इतनी तेज आवाज है इसकी कि अगर ऊपर से एक साथ 20 एरोप्लेन्स भी गुजरे ना तो आप उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। और ये कह के वो वहां खड़ी महिलाओं की ओर मुड़ा और उनसे बड़े अनुनय विनय करते हुए कहने लगा कि अब ये महिलाएं अगर अपनी बात करना बंद कर दें तो हम इस वाटरफॉल की आवाज सुन सकें। कहने का मतलब ये लतीफा नहीं है, सच्चाई इतनी सी है कि हिंदुस्तान हो या अमेरिका, अगर चार महिलाएं चार औरतें कहीं मिल जाए तो फिर गॉसिप का हंगामा और गॉसिप का सुपरमार्केट तो खुलने ही वाला है साहब। और यहाँ गोकुल धाम में ही ऐसा हो रहा है, यहाँ की महिलाएं अपने पतियों के बिना किटी पार्टी मनाने वाली, और सोचिए तो जब पति साथ नहीं होंगे तो उस किटी पार्टी में क्या क्या होगा, पतियों की बहुत सारी पोल खुलेंगी, और जब पोल खुलेंगी तो यकीन मानिए इधर पतियों की पोल खुलेगी किटी पार्टी में, उधर हंसी का पिटारा खुलेगा आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.